ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ गुंडे मवालियों की है, किसानों की नहीं। ये भीड़ है हुड़दंग करने वालों की, किसानों की नहीं। ये भीड़ है दंगा भड़काने वाले लोगों की, किसानों की नहीं। क्योंकि जो किसान धरती को माता की तरह पूजता हो, वो कभी महिला पर हाथ नहीं उठा सकता, वो कभी महिला का अपमान नहीं कर सकता। पर आज यहाँ महिला का अपमान भी हुआ और देश के चौथे स्तंभ को भी चोट पहुँचाई गई। ये भीड़ है मुजफ्फरनगर की, जहां राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे हैं, और साथ में है ये हुजूम जो भूल गया कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है और पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर टिकैत समर्थकों को सवालों से इतना डर लगता है तो अब तक इतना ड्रामा क्यों? अगर तीखे सवाल उनको कचोटते हैं तो फिर काहे की महापंचायत और काहे का ये संग्राम? इन तस्वीरों को देखकर और इनकी हरकतों को देखकर कोई कैसे कह सकता है कि ये किसान होंगे जो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं और पत्रकारों को ही भगा रहे हैं? ये तस्वीरें, ये विरोध शाहीनबाग की याद दिलाती है। उस समय भी बहुत से पत्रकारों का विरोध किया गया था, उस समय भी दंगा हुआ था। इस वीडियो को शेयर करते हुए राजबीर सिंह ने लिखा, मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में आए किसानों ने आज तक की महिला पत्रकार को घेर कर धक्का मुक्की की, किसी तरह बामुश्किल जान बचाकर मोहतरमा बची। किसानों को ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, इसमें पत्रकारों की क्या गलती? कल आपके पसंद की सरकार आएगी, हम आपकी भाषा बोलेंगे। धैर्य रखिए, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। जिस तरह से यहाँ महिला पत्रकार का विरोध किया जा रहा है, उसे देखते हुए टिकैत के मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने वाली मीडिया का ही विरोध किया जाएगा, महिला पत्रकार को इस तरह से घेरा जाएगा, उसके साथ बदसुलूकी की जाएगी, तो कौन किसानों की आवाज़ बनेगा? आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करने वाले ये लोग न सिर्फ लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं। उन किसानों को जो अपनी मेहनत के दम पर पहाड़ तक चीरने की हिम्मत रखता है, उन किसानों को जो ईमानदारी से अपने काम में जुटा हुआ है।